सो दिल्ली में सेकेंड वेव के दौरान इस तरह के कुछ खबरें बीच बीच में सामने आई कि किसी अस्पताल में या शायद कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ्स हुई। हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन का पूरा क्राइसिस रहा सेकेंड वेव में, और इसके दौरान जब इस तरह की खबरें आई कि ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों में मरीजों की डेथ हुई, तो उसको गवर्नमेंट ने भी सीरियसली लिया और ये निर्णय लिया गया था कि एक कमेटी बना के, 4 सदस्य कमेटी बना के इसकी पूरी जांच की जाएगी कि अगर कहीं से इस तरह का कोई सूचना, इस तरह का कोई क्लेम, इस तरह का कोई दावा आता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी मरीज़ की डेथ हुई, तो उसकी पूरी जांच की जाए। और उस वो एक्सपर्ट कमेटी है, मेडिकल एक्सपर्ट्स की कमेटी है, तो इसकी फाइल एलजी साहब के पास भेज दी है सरकार ने इस कमेटी का गठन करके। और जैसे ही ये एलजी साहब के पास से आ जाएगी, वैसे ही ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी। और ये कमेटी हफ्ते में 2 बार मिलके एक एक केस के बारे में निर्णय लेगी कि ये डेथ किस कारण से हुई, इसके बारे में अगर कोई ऐसा क्लेम है, और अगर किसी की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई तो सरकार की ओर से भी ऐसे मामलों में 5 लाख रुपए के कंपनसेशन का ऐलान, 5 लाख रुपए के परिवार को, पीड़ित परिवार को सहायता राशि का ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है, वो भी दिया जाएगा। तो हमने ये कमेटी बना दी है, इसकी फाइल एलजी साहब के पास चली गई है। जैसे ही एलजी साहब से अप्रूव होकर आएगी, जैसे ही एलजी साहब के पास से आएगी, वैसे ही इस पर ये कमेटी काम करना शुरू कर देगी।